गांधीनगर पब्लिक स्कूल में हार्टफुलनेस शिक्षा के अंतर्गत चल रही कार्यशाला का दूसरा दिन सुचारू रूप से चला। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रवि कुमार सिंगल, प्रधानाचार्य शशि शर्मा उपस्थित रहे। डॉक्टर पिंकी ने विभिन्न माध्यमों जैसे समूह द्वारा और एकल क्रियाकलापों द्वारा अध्यापक व अध्यापिकाओं को क्रियाएं करवाई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अध्यापक तथा अध्यापिकाओं की शिक्षा पद्धति को और अधिक विकसित तथा प्रभावशाली बनाना था। कार्यक्रम का संचालन रामाकृष्ण ने डॉक्टर नवीन सिंह, डॉक्टर साधना सिंह, पिंकी पठानिया, अजीत जैन, प्रीति शर्मा, रोहित जैन, नितिका जैन, सविता भारती, रिचा सीतावनी ने किया। कार्यशाला में सभी का उद्देश्य शिक्षा पद्धति को उच्च कोटि का बनाना था और छात्र छात्राओं के विचारों को सकारात्मक बनाना था। सभी ने बहुत उत्साह व जोश से क्रियाकलापों में भाग लिया। डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा बताया गया कि किस प्रकार हमारा मस्तिष्क कार्य करता है और किस तरह से नई तकनीक मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है, मोबाइल फोन के अत्यधिक प्रयोग से किस तरह मनुष्य को नुकसान हो रहा है। हार्टफुलनेस शिक्षा की ओर से सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं के विचारों को चार्ट के माध्यम से समझाया गया और सभी को प्रमाण पत्र व CD वितरित किए गए। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य गुरविंदर कौर, विनय शर्मा, अल्पना गुप्ता आदि उपस्थित रहे। सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं ने इस कार्यशाला में बहुत उत्साह व जोश से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह कार्यशाला प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक चली। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रवि कुमार सिंगल ने सभी का आभार व्यक्त किया और सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं से उच्च कोटि की शिक्षा पद्धति को कक्षा में अपनाने की अपील की। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं से नई शिक्षा पद्धति को अपनाने की अपील की। सर, आज विद्यालय में क्या कार्यक्रम? आज विद्यालय में एक हेल्पफुलनेस एजुकेशन कर एक वर्कशॉप चल रही है, जिसके अंदर टीचर्स को बताया जाता है कि वो किस तरीके से पढ़ाएं ताकि बच्चा एकदम से समझ ले। और कभी कभी टीचर्स समझाने के लिए बच्चे को डांटती हैं, तो यहाँ पर ये भी उनको सिखाया जा रहा है कि बच्चे को समझाने के लिए डांटना उसका कोई हल नहीं है, उसको प्यार से समझाया जा सकता है, उसी तरीके से उस तरह से बच्चा समझेगा। तो ये वर्कशॉप कल से चल रही है। इस वर्कशॉप को मिस्टर रामकृष्णा हैदराबाद के हैं और उनकी टीम के अंदर गुड़गांव से, गाजियाबाद से, हैदराबाद से सारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। कल से ये चल रहा है और आज शाम तक चलेगा। सर, इसका क्या मतलब ये है कि शांति के साथ बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि उनको टीचर्स की पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए।